नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई टॉपिक लेके। इतने दिन मैं लापता रही क्योंकि मैं और मेरा पूरा परिवार हम कोविड पॉजिटिव हो गए थे और उससे उभरते उभरते समय नहीं मिला कि मैं वीडियो बना सकूं। अब भगवान की दया से सब कंट्रोल में है, ठीक हो रहे हैं और अब मैं वापस वीडियो बनाने के प्रोसेस में हूँ और आपके सामने नई नई वीडियोज लाती रहूंगी। मैं एकता सिंह भी हूँ और जैसे कि आप जानते हैं मैं बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट इन दोनों पे वीडियोस बनाती हूँ। अब ये दोनों सब्जेक्ट कैसे मैनेज होता है ये किसी और दिन किसी और वीडियो में बताऊंगी। बहरहाल आज मैं बायोलॉजी का एक टॉपिक लेके आई हूँ और ये टॉपिक किसी सिलेबस में नहीं है, ये जनरल टॉपिक है जो आज की जिंदगी में हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो क्या है वो बताती हूँ। उसके पहले मैं आप सभी का थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो अभी तक मेरे साथ जुड़े रहे, इतना पेशेंस रखा, सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। तो आइए चलिए देखें आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स। इम्यूनिटी ये एक वर्ड हम 1.5 साल से सुनते आ रहे हैं, जी हाँ, और आज के जमाने में आज के दिन में हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है। यही हमारे अंदर की वो शक्ति है जो सारे जर्म्स को दूर रखती है और हमें स्वस्थ रखती है। लेकिन कोविड होने के बाद हमें ये पता चला कि इम्यून सिस्टम पे हमें ध्यान देके इसे हर समय इसे सक्षम रखना है, इसे स्ट्रांग रखना है। कोविड जो वायरस है ये एक नई तरह की वायरस थी, इसके इससे लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी चाहिए होता है, एंटीबॉडी एक प्रोटीन होता है जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं। रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल ये दो ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारे ब्लड में होते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स में एक सेल होता है जिसका नाम होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज तैयार करता है और एंटीबॉडीज हर पर्टिकुलर जर्म के लिए ही बनता है, मतलब एक जर्म का एंटीबॉडी दूसरे जर्म पे इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये जो कोविड वायरस है इस ये अभी तक हमें कभी अटैक नहीं किया, हम इससे रूबरू कभी हुए नहीं, इसलिए ह्यूमन स्पीशीज में कोविड से लड़ने के लिए एंटीबॉडी नहीं है, इसीलिए हम इससे इतना क्षतिग्रस्त हुए। लेकिन अब वैक्सीनेशन आ गया है, हमारे देश में लगभग 40% पॉपुलेशन तो वैक्सीनेटेड हो भी गई है, इसीलिए कोविड से अब खतरा धीरे धीरे कम हो रहा है, ये हमारे कंट्रोल में आ रहा है। कोविड वायरस कभी भी वैसे बहुत खतरनाक था नहीं, लेकिन ये खतरनाक तब बन जाता है जब निमोनिया क्रिएट हो जाए, जब इम्यून सिस्टम हमारी वीक होती है और कोविड के थ्रू निमोनिया अगर हो जाए तब वो खतरनाक हो जाता है। उसके पहले अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो ये निमोनिया तक पहुंचेगा नहीं, हल्का फुल्का बुखार होके या कई बार तो कोई सिम्टम भी नहीं होता, वो ऐसे ही खत्म हो जाता है। बहरहाल आज हम बात करेंगे, सिर्फ कोविड से हमें खतरा नहीं है, अभी उसके बाद तो और भी बहुत कुछ हम सुन रहे हैं, फंगस, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, इसके बाद में सिलसिला तो यहां खत्म होने से रहा, और भी पता नहीं और क्या क्या आना बाकी है। इन सबसे बचने के लिए जो शक्ति हमें चाहिए हमारे अंदर है ऑलरेडी, लेकिन हम इसे वीक कर दे रहे हैं। वीक कैसे कर दे रहे हैं? अपने लाइफस्टाइल और अपने खान पान के तरीके से हम इसे कमजोर कर दे रहे हैं। हमें अपना हैबिट चेंज करके इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है ताकि हम इन सारे जर्म से अपने आप को सुरक्षित रख पाए। हम ये तो नहीं चाहते कि आने वाले दिनों में हम ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे भागें, नहीं, हमें रेस कोर्स में भागना है या हमें ट्रेकिंग करनी है, हमें ये सब करना है, ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे नहीं भागना है। ऑक्सीजन हम एटमॉस्फेयर से ले पाए इतनी शक्ति हमें लंग्स में हमेशा रखनी होगी। ये सब अभी तक हम सोचते ही नहीं थे क्योंकि टेकन फॉर ग्रांटेड था कि ये सब तो ठीक ही है, चलता रहेगा, लेकिन अब वो समय आ रहा है धीरे धीरे कि हमें इन सब चीजों पर ध्यान देना है। तो आइए चलिए इस पे बात करें, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर। नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बूस्टर्स बहुत आ गए हैं मार्केट में, जैसे ये सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स तो हम देखते ही हैं रोज, और भी अब नई नई तरीके की इम्यूनिटी बूस्टर्स हर पैकेट में आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो क्या वो इफेक्टिव है? वो इफेक्टिव नहीं है,
कोई भी टैबलेट इफेक्टिव नहीं है इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए. इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया तो कोई टैबलेट नहीं बना आज तक. इसीलिए वो सारे फेक हैं. उस बहकावे में अब ना आए. हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स. इसी से हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी और हम स्ट्रांग होंगे. तो आइए देखें इसमें क्या क्या हम ले सकते हैं जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांग हो. तो पहला मदद होगा फूड से. फूड हम जो खा रहे हैं उस पर हमें खास ध्यान देना है. सब नेचुरल आइटम खाने हैं हमें. जैसे जो दादी माँ मम्मी किचन में रोज बनाती हैं वो ही सब खाना है. बाजार की चीजें नहीं खानी है. ये सब सुनने में तो बहुत बोरिंग लगता है लेकिन आजकल का टाइम ही वही है. हम सब देख रहे हैं अब अजाना कोई भी नहीं है. हम अब बचपना नहीं कर सकते. हर समय चिप्स का पैकेट चाहिए, हर समय मैगी चाहिए, हर समय पिज्जा चाहिए. डोमिनोज पिज्जा आपको खराब करेगा. फिर आप ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे भागेंगे. वो तो हम नहीं जाते ना. आप खाएं, जरूर खाएं, समोसा भी खाएं, आप डोमिनोज का पिज्जा भी खाएं, लेकिन आपको क्वांटिटी कम रखना है. महीने में एक बार खाएं सिर्फ. यस, उतना कम करना है. समोसा भी 10 दिन में एक बार खाएं, मैगी भी 15 दिन में एक बार खाएं. तो ये ही करना होगा हमें. उपाय नहीं है हमारे पास. और बाकी के टाइम में हमें नेचुरल सिंपल फूड, दाल चावल रोटी सब्जी चिकन फिश एग मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब ही हमारे लिए है. ये सब ही हमें ठीक रखेगी. तो इन सब का सेवन करें. इसके साथ हमें जो चीज और खाना है वो है प्रोटीन आइटम्स. जैसे और इसमें भी प्लांट प्रोटीन अगर हो तो बेटर है. प्लांट या नॉन मीट प्रोटीन हो. डेयरी प्रोडक्ट ठीक है. डेयरी आइटम्स वेरी गुड. पनीर दही दूध इन सब का रोज सेवन करना है. फिर प्रोटीन हमें मिलता है सोया से मिलता है, मशरूम से मिलता है, स्प्राउट से मिलता है, एग से मिलता है. बाकी तो और है, फिश चिकन मटन एंडलेस है. नॉन वेजिटेरियन में प्रोटीन सोर्स बहुत सारे हैं, वेजिटेरियन में थोड़ा कम है. लेकिन नॉन वेजिटेरियन वालों को ये जान के थोड़ा दुख होगा कि बॉडी के लिए वेज प्रोटीन ज्यादा इफेक्टिव है. नॉन वेज प्रोटीन से वेज प्रोटीन ज्यादा इफेक्टिव है. तो आप नॉन वेज प्रोटीन को लेकर ज्यादा इतराए नहीं, आप वेज प्रोटीन की तरफ ज्यादा रुख करें. ये सब चीजें हमारे डाइट में होना ही होना. एवरी डे स्प्राउट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डेयरी प्रोडक्ट सोया मिल्क ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए. इम्यूनिटी बढ़ाता है. और जिंक इन सभी चीजों में, जिसमें से हमें प्रोटीन मिलती है उसी में से हमें जिंक मिलता है. जिंक के लिए हमें जिंकोवेट या जिंक सप्लीमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है. इन सभी चीजों से हमें जिंक मिलता है. जिंक इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इन सभी चीजों का हमें सेवन करना है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल होम सिंपल फूड ये सब हमें खाना है. और साथ में इम्यूनिटी को और स्ट्रांग करने के लिए हमें जो लेना है वो है जिंजर टर्मरिक वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी एज वेल एज एंटीबायोटिक, नेचुरल एंटीबायोटिक. टर्मरिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कच्चा हल्दी अगर मिले उसको आप क्रश करके या कद्दूकस करके जिंजर के साथ मिला के उसको काढ़ा बना के उसको पिए, बहुत अच्छी बात है. पेपर, ब्लैक पेपर इन सभी को हम मिला के काढ़ा बना सकते हैं. अर्ली मॉर्निंग आप काढ़ा बनाए, इन्हें अच्छे से बॉईल करें, उसके बाद में गुड़ देके, चीनी ना दे, गुड़ देके पिए. और तुलसी, ये सभी चीजें हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करती है. आंवला हेवनली फूड, आंवला विटामिन सी, ये विटामिन सी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है आंवला. इसको आप किसी भी तरह, इसको पकाना नहीं है आपको, कच्चा खाना है हमें. इसको कद्दूकस कर लें और उसका जूस निकाल के सेवन करें. किसी भी तरह आंवला ग्रहण करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट. तो फूड में ये सब आइटम हो, साथ में ड्राई फ्रूट नट्स जितने भी खाएं अच्छा है. नट्स में आपको फाइबर मिलता है, प्रोटीन मिलता है, मिनरल मिलता है, सब कुछ मिलता है. नट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इन सभी चीजों का हमें सेवन करना है डेली रूप में, थोड़ा 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 क्वांटिटी. अब डेली में आप ये सब खाएं तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने से नहीं रह पाएगी, स्ट्रांग होगी ही होगी.
हुआ फूड सपोर्ट। फूड के साथ साथ आपको और भी एक इम्पोर्टेंट काम करना है, वो है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल जी हाँ, इसमें भी थोड़ा बोरिंग हिसाब है आपको। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ऐसा कहावत है ना, इसी को आप रोज जपे इसका आपको। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये ही चीज हमें आप फॉलो करनी है। 8 घंटे सोने चाहिए। 8 घंटे सोने का मतलब ये नहीं है कि आप 1 बजे सो रहे हैं और 9 बजे उठ रहे हैं और मम्मी से कह दिया कि हाँ देखो भाई मैं 1 बजे सोता हूँ तो क्या 9 बजे उठता हूँ तो भी तो मुझे 8 घंटे की नींद मिल रही है। ये कंप्लीट भूल धारणा है, इस समय सोने से नहीं चलेगा। आपको कुदरत के हिसाब से काम करना होगा। आपको 10 बजे सोना है और 6 बजे उठना है। 10 बजे सोना है, 6 बजे उठना है। खाना पीना सब टाइम से होना चाहिए, तभी हमारे बॉडी पे असर करता है। प्लस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अब वो समय आ गया है हम ये सबको फॉलो करें, क्योंकि अब अगर फॉलो नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे दौड़ेंगे। ये सभी जरूरी है, क्या करें, बॉडी को ये सभी चाहिए। हम अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं, हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते, उसे खुद को कंट्रोल करने देते हैं तो सब गड़बड़ होता है, इसीलिए ये गड़बड़ी हो रही है। तो हमें वापस से इसे बैक टू ट्रैक में लाना है। इसके लिए टाइम लगेगा, आपको 1 साल परिश्रम करना होगा, तब आप असर देखेंगे। आपका बॉडी स्ट्रांग होगा, आपका माइंड स्ट्रांग होगा, आप बेहतर जिंदगी जिएंगे। तो आपको ये सब चीजें लाइफस्टाइल में लानी है। जंक फूड लिमिटेड, लिमिटेड जंक। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप एकदम बंद कर दें, एकदम बंद कर देना मतलब इट्स लाइक डेथ, इजंट इट, कुछ मजा नहीं रहेगा जिंदगी में। एकदम बंद नहीं करना है, लेकिन अगर आप आज जंक फूड खा रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि पूरे दिन में आपने अच्छे से न्यूट्रिशियस आहार भी लिया हो। और जंक फूड आप हफ्ते में 1 दिन से ज्यादा नहीं खाएंगे, तब तो काम बनेगा। क्योंकि आप इतना मान लो, अगर आप 2 समोसा खाते हो तो वो कैलोरी को बर्न करने के लिए आपको 7 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, तो कितना हार्म कर रहा है ये बॉडी को। हम ऐसे ऐसे ही खाते जाते हैं, कुछ भी मत खाइए, वो सही नहीं है। अब जो भी खाइए आप अपने शरीर को मद्देनजर रखते हुए खाइए, ऐसे भी कुछ भी उठा के मत खा लीजिए, नहीं तो ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ये हुआ फूड और लाइफस्टाइल, इसे कंट्रोल करके हम ये जितनी भी नई नई जर्म्स आ रही हैं हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। एक बात और मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, अपने ऊपर भरोसा करना सीखो। कुछ भी हो, थोड़ा बहुत शरीर में कुछ भी गड़बड़ लगे, उसको अपने हिसाब से ठीक करो। सबसे पहले तो अपना विल पावर, माइंडसेट, जो भी हुआ है समझो बॉडी में क्या गड़बड़ हो रहा है, समझो बॉडी को, समझो और उसके हिसाब से काम करो। ये नहीं कि कुछ हुआ डॉक्टर के पास भागे, कुछ हुआ डॉक्टर के पास भागे, नहीं, वो रास्ता सही नहीं है। आप खुद पे ध्यान, खुद पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा मत सोचो कि हमें कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं, सब ठीक है, सब अच्छा है। अगर गले में कुछ प्रॉब्लम हुआ जल्दी से गए काढ़ा पी लिया, अगर पेट में थोड़ा सा दर्द हुआ तो उल्टा लेट गए या कुछ भी कर लिए अपने हिसाब से जिससे पेट दर्द ठीक हो जाए, कुछ भी करके नेचुरल वे में अपने आप को ठीक करें, दवाई का सहारा न लें। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप इतनी बातों में कुछ बात तो फॉलो करेंगे और अपने आप को और थोड़ा स्ट्रांग, अपनी इम्यूनिटी को और ज्यादा मजबूत करने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलूंगी, अगले दिन कोर्स मटेरियल के साथ मिलूंगी, सिलेबस कंटिन्यू करना है अपने को और उन सब के बारे में बातें होंगी। वीडियो को अति अवश्य लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, उससे मुझे और हौसला मिलेगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय।